तो 77वां स्वतंत्रता दिवस आज पूरा देश मना रहा है। हर कोई जश्न में डूबा है, देशभक्ति गाने सुनाई दे रहे हैं, हर तरफ से कुछ ऐसी ही आवाजें आ रही हैं, भारत माता के जय के नारे लग रहे हैं। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आए, स्वागत है आपका। और सुनील पाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी कॉमेडियन हैं, आपका भी स्वागत है। सुनील पाल जी, आज किस अंदाज में आप देश वालों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देंगे, क्योंकि आपकी कॉमेडी से तो हर कोई प्रभावित होता है। 77वां आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस, आप सबको, हम सबको बहुत मुबारक हो, पूरे भारत वर्ष को, पूरी दुनिया को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम ना है। जो मेरे शेर पे बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगी आलिया, और जो नहीं बजाएगा तालियां, उसके सपने में आएगा विजय मालिया, और वो भी ले जाएगा जो कमालिया, फिर मत देना मुझे गाड़िया, समझा सोमालिया। गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है सर आपका। खुशी की बातें होनी चाहिए, एक दो चार आवाजें और निकाल दे तो मुझे पता है आपके पास गेस्ट बहुत है, और सारे गेस्ट को मैं सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, लेकिन सीमा हैदर को देख के लगता है अतिथि देवो भय, किसी के लिए वो सीमा हैदर तो किसी के लिए सीमा है डर, सीमा के लिए है डर, है डर, है ना जी। हाँ, वो क्या है, वो भी सनी देओल की तरह गदर का डायलॉग बोल के आ रही है कि एक पासपोर्ट पे अगर वीजा नहीं लगेगा तो क्या सीमा हिंदुस्तान नहीं जाएगी। इस सीमा को, मेरे चार बच्चों को उसके इकलौते लप्पू झप्पू बाप से मिलाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी, गदर जी गदर मचाऊंगी और ये गदरीला बदन लेके जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में नई नई बातें और नई नई परंपरा होती जा रही है। अब आप देखो, जितनी यहाँ पर महिलाएं, मैं प्रणाम करता हूँ, कुंवारी लड़कियां भागती थी देश के, देश में भागती थी, है ना, देश में ही भागती थी। ये शादीशुदा महिलाओं को क्या हो गया है, देश छोड़कर भाग रही है, विदेश में भाग रही है। और विदेश की महिलाओं को क्या हो गया, वो कहीं झारखंड कहीं किस किस से मिलने आ रही है, शादी कर रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। हमारा तो भारत महान है ना सर, पसंद आ रहा है। हर किसी को भारत पसंद आता है, अभी से नहीं, कोलंबस काल से हर कोई भारत में आना चाहता है, बिकॉज उसकी संस्कृति, उसकी कल्चर, उसके रूट इतने गहरे है कि पूछिए मत। लेकिन क्या है, फिल्मों का असर देखो ऐसा है, एक था कि दोनों पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं फिल्मों के नाम से झगड़ा कर रहे हैं। एक पत्नी कहती है पति से, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी जिंदगी द केरला स्टोरी हुई है। तो पति कहता है, और मेरी भी जिंदगी कोई अच्छी नहीं हुई है, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी अच्छी खासी जिंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं, इतने में पति ने कहा, डार्लिंग एक काम करो, झगड़े में कोई फायदा नहीं है, आज स्वतंत्र दिवस है, आओ मिलके कोई रोमांटिक फिल्म देखने जाते हैं। तो पति ने कहा, कौन सी रोमांटिक फिल्म, तू झूठी मैं मक्कार। फिल्मों के नाम पे झगड़े हो रहे। तो आज अगर पंकज त्रिपाठी अपने स्टाइल में सबको शुभकामना देते तो पूरी दुनिया को, देश हो दिया कैसे। बहुत बढ़िया, रुक जाओ एकता, रुक जाओ, वरना गाड़ी तुम्हारे तुम्हारे गाड़ी पे गाड़ी चल रही है, कैसे रुकेगी। हाँ तो तुम गाड़ी को रोक दो, ब्रेक लगाओ, तुम ब्रेक लो, तुम बहुत कमा रही हो, माल बहुत कमा रही हो, तुम ब्रेक लगाओ। हाँ, पंकज त्रिपाठी जो है, ये कैसी दोस्त है मेरी एकता यार, मेरे परफॉर्मेंस को सुन नहीं रही है, पसंद नहीं कर रही है, और किसी और को बोल रही है परफॉर्म करने के लिए। तुम एकता नहीं हो, आज से तुम्हारा नाम अनेकता। सौरभ मेहता जी भी काफी खुश हो रहे हैं, और दो आपके जोक्स पर काफी मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, आप मेरा आजादी का हक छीन नहीं सकते। दोबारा आएंगे आपके पास। नहीं, मुझे पता है आपके पास। आपने खुद ही कहा सर, मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, सारे मेहमान बराबर हैं। पूरा भारत आपका गेस्ट बन चुका है। एक आवाज सुना देता हूँ, अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर आए हुए जितने भी गेस्ट है, तमाम देखिए शब्द न शब्द देखिए, मेरी बात गरिमा को समझिए, एकता को समझिए, देखिए मैं जो कहने वाला हूँ वो बात जो है भारत की एकता को समझनी चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे घर जैसे हो, मैं गृह मंत्री हूँ और आपके साथ में मेरा आशीर्वाद है कि पूरा भारत देश का जय हो। मेरा तो हो चुका है, जैसा बनो और मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनो,
और खुश रहो, कानून मत तोड़ना, नहीं तो कानून तुमको तोड़ेगा।